हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। बिहार में बम्पर वैकेंसी रिलीज की गई है जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में। टोटल 6988 पोस्ट वैकेंसी रिलीज की गई है। 6988 जूनियर इंजीनियर के पोस्ट वैकेंसी रिलीज की गई है। ये जो वैकेंसी है ये सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए है, यानी कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। बिहार स्टेट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यह वैकेंसी निकली हुई है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ अप्लाई करने का प्रोसेस कैसा रहता है, एप्लीकेशन फीस कितनी रहती है एंड सिलेक्शन के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो वैकेंसी निकली हुई है ये बिहार स्टेट में निकली हुई है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से ये वैकेंसी रिलीज की गई है। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। 6988 पोस्ट में ये वैकेंसी निकली हुई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 मई यानी कि 22 मई से स्टार्ट हो जाएगी एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 जून रहेगी। अगर आप यहां अप्लाई करना चाहते हो तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है जल्द से जल्द अप्लाई कर देना, क्योंकि आखिरी तक में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, सर्वर डाउन हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके ये पीडीएफ डिटेल में देख सकते हो। अलग अलग विभाग में वैकेंसी निकली हुई है, जैसे कि पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग। तो इन अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ वैकेंसी निकली हुई है। और कितनी वैकेंसी निकली हुई है अगर आप ये देखना चाहते हो तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आप देख सकते हो। टोटल वैकेंसी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया 35% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण, यानी कि 35% वैकेंसीज फीमेल के लिए रिजर्व रहेगी। टोटल वैकेंसी में से 60% वैकेंसीज ऐसी है जो ओपन है, यानी कि उसमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बाहर के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। 40% वैकेंसी ऐसी है जिसमें केवल बिहार स्टेट के कैंडिडेट्स ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ लेवल 7 का पे स्केल आपको मिलता है। 9300 से 34800 आपकी बेसिक पे रहती है। 4600 ग्रेड पे की जॉब है। तो ज्वाइनिंग के बाद सारे अलाउंसेस पर्क्स ऐड करने के बाद आपकी मंथली सैलरी 50 से 55,000 बनती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में या कोई इक्विवेलेंट कोर्स आपने किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 37 ईयर्स है। लेकिन अगर आप अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए रिजर्वेशन रहेगा, आप मैक्सिमम 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करने की मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करने की मैक्सिमम एज 42 ईयर्स है और एज 1 अगस्त 2023 से चेक की जाएगी। चलिए एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है इसमें आपको पहले एक रिटर्न एग्जाम देना होता है एंड उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी एक्सपीरियंस भी चेक की जाती है। अगर आपने संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं जॉब किया हुआ है तो आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे और ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। पहले आपको एक रिटर्न एग्जाम देना होगा। रिटर्न एग्जाम के मार्क्स को 75% वेटेज दिया जाएगा और बाकी 25% वेटेज आपके एक्सपीरियंस को दिया जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ एक्सपीरियंस होना कंपलसरी नहीं है। रिटर्न एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ये जो एग्जाम है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा एंड यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स कट जाएगा। रिटर्न एग्जाम में 80 क्वेश्चंस डिप्लोमा लेवल से पूछा जाएगा सिविल इंजीनियरिंग से और बाकी 20 क्वेश्चंस सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा। रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और वहीं पे आपकी एक्सपीरियंस भी चेक की जाएगी। तो एक्सपीरियंस किस चीज़ में चाहिए, देखिए आपके पास अगर आपने संविदा में काम किया हुआ है बिहार गवर्नमेंट के अंडर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर तो आपको हर साल, यानी कि जितने साल की आपके पास एक्सपीरियंस रहती है उसके बेसिस पे आपको हर साल, जैसे अगर आपने एक साल वर्क किया हुआ है, एक्सपीरियंस आपके पास एक साल का है तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। वैसे ही अगर आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपको 25 मार्क्स मिल जाएगा और एक्सपीरियंस 22 मई 2023 तक देखी जाएगी। अब अगर बात करें फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी तो फाइनल मेरिट लिस्ट में 75% वेटेज दिया जाएगा आपके
सीबीटी यानी कि रिटन टेस्ट आपने जो दिया है उसके मार्क्स को 75% वेटेज दिया जाएगा और बाकी यहाँ पे 25 मार्क्स जो रहेगा ये आपको एक्सपीरियंस पे मिलेगा। आप जितना एक्सपीरियंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकले हुए हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है सपोज 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और रिटन टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस जैसी रहती है उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। और जो कैंडिडेट्स, लेकिन यहाँ पे आप जैसे अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या यहाँ अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए क्योंकि हो सकता है आपके पास एक्सपीरियंस न भी हो लेकिन अगर आप रिटेन में अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकली हुई है। तो दोस्तों ये थी नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस स्टेट के रहने वाले हो, बिहार स्टेट में रहते हो या फिर आउटसाइड किसी स्टेट में रहते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।